हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे जो है आप चेक कर सकते हैं कि आपका कंप्यूटर या फिर लैपटॉप जो है विंडो 11 के लिए कॉम्पैटिबल है या नहीं है। सो गाइस, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आना है। यह है माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल विंडो 11 का वेबसाइट, यहाँ पर आ सकते हैं। इसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च करके गूगल पे भी आ सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको विंडो 11 के सारे फीचर्स मेंशन मिल जाएंगे। आपको यहाँ नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर एक सेक्शन होगा चेक फॉर कॉम्पैटिबिलिटी, यहाँ पे आपको डाउनलोड ऐप पे क्लिक करना है और 13 MB का एक एप्लीकेशन आपके पीसी में डाउनलोड हो जाएगा। सो डाउनलोड ऐप के नीचे आपको यहाँ पर मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स दिख जाएगा, आप चाहे तो ये पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऐप डाउनलोड हो चुका है, तो हम इसे इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे ओपन करना है, एंड ओपन करेंगे देन आपको सबसे ऊपर में ही दिख जाएगा इंट्रोड्यूसिंग विंडो 11 चेक नाउ। आपको चेक नाउ के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप चेक नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे देन आपको दिखा देगा कि आपका विंडो जो है कॉम्पैटिबल है या नहीं है। सो गाइस, यहाँ पर मेरे केस में मेरा लैपटॉप जो है विंडो 11 के लिए कॉम्पैटिबल नहीं है। यहाँ पर जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर रहा। अगर आपका जो है सिस्टम रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा होगा देन आपके पीसी में कुछ ऐसा स्क्रीन आएगा, यहाँ पर लिखा होगा दिस पीसी कैन रन विंडो 11। सो गाइस, यहाँ पर मेरे अलावा भी बहुत सारे यूजर्स का यही दिखा रहा होगा कि आपका जो कंप्यूटर है वो विंडो 11 के लिए कॉम्पैटिबल नहीं है। उसका जो रीज़न है वो है TPM का वर्जन। यहाँ पर सिस्टम रिक्वायरमेंट आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो TPM का वर्जन है वो 2.0 से ऊपर होना चाहिए आपके कंप्यूटर में, और मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर में जो है 2.0 से नीचे है। सो गाइस, आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके जो कंप्यूटर में TPM का कौन सा वर्जन है? तो इसके लिए आप कीबोर्ड पर प्रेस करिए विंडो +R और रन मेन्यू जो है खुल जाएगा, वहाँ पर टाइप करिए TPM.msc, उसके बाद एंटर दबा दीजिए। उसके बाद जो है आपका यहाँ जो है TPM का वर्जन वगैरह सब कुछ शो हो जाएगा। अगर इनकेस नहीं शो होता है देन आपका जो है BIOS में डिसेबल्ड है, तो आप जो है BIOS के सिक्योरिटी में जाके वहाँ से TPM को इनेबल कर सकते हैं। सो गाइस, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आपका कोई भी डाउट है या फिर कोई भी प्रॉब्लम होता है देन आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड ऐसे और भी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, तभी आपको हमारे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलेगी। सो सी यू ऑल गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।